एजुकेटिव क्लासेस, आज हम चैप्टर नंबर सेकंड के कीवर्ड्स के बारे में बात करेंगे। तो ये कीवर्ड्स हमारे कौन कौन से हैं? एब्जॉर्प्शन, सबसे पहले आया है हमारा एब्जॉर्प्शन। क्या होता है? प्रोसेस बाय विच डाइजेस्टेड फूड पासेज इन टू द ब्लड। ये एब्जॉर्प्शन जो ऐसी प्रोसेस होती है जो जिसके द्वारा जो हमारा डाइजेस्टेड फूड होता है वो ब्लड में पास आउट होता है। उसके बाद है एलिमेंट्री कैनल। क्या होता है? द लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब इन द ह्यूमन बॉडी थ्रू विच फूड पासेज आफ्टर इट्स इंजेशन। जो लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर जिसके द्वारा जो फूड होता है वो पास आउट होता है इसके इंजेशन के बाद, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनल। नेक्स्ट है एसिमिलेशन। क्या होता है? प्रोसेस ऑफ यूजिंग द एब्जॉर्ब्ड फूड फॉर ग्रोथ एंड फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी। ये प्रोसेस होती है ऑफ यूजिंग द जो एब्जॉर्ब्ड फूड होता है उसको, उसकी एक ऐसी प्रोसेस होती है जो ग्रोथ हो, जो हमारी ग्रोथ के लिए और एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए जरूरी होती है। तो ऐसी एसिमिलेशन क्या है? एसिमिलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा जो हमारा एब्जॉर्ब फूड है उसका यूज किया जाता है ग्रोथ के लिए और एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट इज बकल कैविटी। बकल कैविटी क्या होती है? ओरल कैविटी लोकेटेड एट द अपर एंड ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। ओरल कैविटी होती है जो कहाँ पे होती है? अपर एंड ऑफ द एलिमेंट्री कैनल, जो हमारी एलिमेंट्री कैनल होती है उसके ऊपरी एंड पर होती है। उसके बाद है कैकम। क्या होता है? बैग शेप्ड पार्ट होता है एट द बिगिनिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, जो लार्ज इंटेस्टाइन की बिगनिंग में ऊपर होता है और प्रेजेंट इन रूमिनेट्स, और जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? रूमिनेट्स में, जो अभी हमने बात करी थी कुछ एनिमल्स होते हैं जो रूमिनेट्स होते हैं उनके पास होता है ये बैग शेप्ड पार्ट होता है और लार्ज इंटेस्टाइन की बिगनिंग में होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कैनाइंस। कैनाइंस क्या होता है? पॉइंटेड टीथ होते हैं यूज फॉर टीयरिंग ऑफ फूड, जिनका यूज किसके लिए किया जाता है? फूड को टीयर करने के लिए कैनाइंस हमारे टीथ होते हैं। डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल सोल्यूएबल फॉर्म्स विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस। जो सिंपल सोल्यूएबल फॉर्म में ब्रोकन डाउन होता है कॉम्प्लेक्स फूड का, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में जब ब्रेक डाउन कर लेते हैं हम विद किसकी हेल्प से? डाइजेस्टिव जूसेस की हेल्प से ब्रोक, तो इसे हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन। यानी कि डाइजेस्टिव जूसेस की हेल्प से जब हमारा कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है वो सिंपलर फॉर्म में चेंज हो जाता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं। एनेमल क्या होता है? वाइट सब्सटेंस दैट कवर द टीथ। वाइट सब्सटेंस होता है जो हमारे टीथ को कवर करके रखता है ऊपर से। एजेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। एजेशन क्या होता है? जो हमारी प्रोसेस होती है, जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं? एजेशन बोलते हैं। इंजेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑफ फूड, जो हमारी फूड को टेक करने की यानी ग्रहण करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या बोलते हैं? इंजेशन बोलते हैं। एजेशन उसे बाहर निकालने की अनडाइजेस्टेड फूड, इंजेशन टेक इन करने की, ठीक है, फूड को। इंसीजर्स क्या होते हैं? फ्रंट हीथ यूज्ड फॉर कटिंग एंड बाइटिंग, जो हमारे फ्रंट हीथ होते हैं और जिनका यूज किस में किया जाता है? कटिंग और बाइटिंग में किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? इंसीजर्स बोलते हैं। मोलर्स। मोलर्स लास्ट हीथ दैट आर लार्जर एंड फ्लैट एंड आर यूज्ड फॉर क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग फूड। मोलर्स हमारे लास्ट हीथ होते हैं जो लार्जर होते हैं और फ्लैट होते हैं, ठीक है, लड़े होते हैं फ्लैट होते हैं और इनका यूज किस लिए किया जाता है? क्रशिंग के लिए और ग्राइंडिंग के लिए, फूड की क्रशिंग और ग्राइंडिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। ओसियोफेगस क्या होते हैं? ओसियोफेगस फूड पाइप को बोलते हैं। प्रीमोलर्स क्या होते हैं? टीथ सिचुएटेड नेक्स्ट टू कैनाइंस एंड यूज्ड फॉर क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग फूड। ये टीथ होते हैं जो कैनाइन से आगे होते हैं, सिचुएटेड होते हैं, ठीक है, कैनाइन के बाद जो सिचुएटेड होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रीमोलर्स टीथ बोलते हैं। और इनका यूज भी हम किसके लिए करते हैं? क्रशिंग और ग्राइंडिंग फूड। मोलर्स की तरह क्रशिंग और ग्राइंडिंग की तरह प्रीमोलर्स का यूज किया जाता है। उसके बाद है सूडोपोडिया। क्या होता है? फाल्स फीट ऑफ अमीबा। अमीबा के फाल्स फीट होते हैं विच इट यूजेस, जिसका यह यूज करती है ट्रैप इट फूड, अपने फूड को ट्रैप करने में यानी कि फंसाने में एंड फॉर इट्स मूवमेंट, और अपने मूवमेंट करने में, ठीक है। उसके बाद है रूमिनेट्स। कड चूइंग हर्बीवोर एनिमल। रूमिनेट्स कौन होते हैं? कड चूइंग हर्बीवोर एनिमल, हर्बीवोर एनिमल्स होते हैं। विली क्या होता है? कड क्या होता है? वो मुंह में दोबारा से माउथ में लेके आते हैं अपने खाने को, ठीक है, एनिमल्स को हम बोलते हैं रूमिनेट्स। एक बार पूरा स्वेलो कर जाती हैं और फिर उसको वापस
मुंह में लेके आते हैं और उसको चबाते रहते हैं बाद में आराम से बैठकर। विली स्मॉल प्रोजेक्शन इन द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बींग। स्मॉल प्रोजेक्शन होती है इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में, ह्यूमन बींग्स की इनर वॉल्स में, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल में कुछ स्मॉल प्रोजेक्शन होती है। और ये किस में हेल्प करती हैं? दिस हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, और ये जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती हैं। तो ये थे हमारे कुछ कीवर्ड्स जो हमारे इस चैप्टर में आए थे, चैप्टर नंबर 2 में। थैंक यू। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।